नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। जो मित्र हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स और बात सच है चैनल को नियमित देखते हैं, उन्हें इस खबर से कोई आश्चर्य नहीं हुआ होगा कि महातिर मोहम्मद का मलेशिया से बिस्तर गोल हो चुका है। दरअसल महातिर ने जब से भारत के कद के समांतर खड़ा होने की कोशिशें की थी, वह तभी से भारत की नजर में खटक रहा था। हमने मलेशिया और भारत के रिश्तों पर बनाए गए सभी वीडियो में कहा था कि महातिर का पत्ता मलेशिया की सत्ता से छिटकने वाला है, पर सवाल यही है कि उनके इस्तीफे के बाद मलेशिया और भारत के रिश्तों पर क्या असर होगा। महातिर वर्ष 2018 में मलेशिया के पीएम बने थे। उनकी पार्टी बेरास्तु ने पैक्ट ऑफ होप गठबंधन के नेता अनवर इब्राहिम के साथ साझा सरकार बनाई थी। उस वक्त दोनों नेताओं के बीच यही समझौता हुआ था कि मई 2020 के बाद महातिर अनवर को सत्ता सौंप देंगे, मगर मदरसा जमात होने के कारण महातिर चालाकी पर उतर आए। उन्होंने अनवर को सत्ता सौंपने के बजाय गठबंधन में दरार डालकर पूरे कार्यकाल के लिए सरकार में बने रहने का फैसला किया, जिसकी खबर अनवर इब्राहिम को मिल गई। महातिर मोहम्मद का भेद खुला तो उन्होंने इस्तीफा देकर ही जाना बेहतर समझा। दरअसल अनवर और महातिर के संबंध अच्छे नहीं रहे हैं। मलेशिया में इन दोनों पार्टियों के बीच संघर्ष का लंबा इतिहास रहा है, लेकिन 2018 के चुनाव से पहले उनमें मित्रता हो गई। महातिर मोहम्मद अपने पूर्व दुश्मन अनवर को सत्ता सौंपने की केवल बातें करते रहे, मगर भीतर खाने वे पूरे कार्यकाल के लिए सत्ता हथियाने की फिराक में थे। खास बात यह है कि महातिर मोहम्मद और अनवर इब्राहिम का भारत से संबंधों को लेकर दृष्टिकोण भिन्न था। महातिर ने इमरान के साथ निजी संबंधों की वजह से मलेशिया की अर्थव्यवस्था को बड़ी चोट पहुंचाई है। भारत से रिश्ते बिगाड़कर मलेशियाई पाम ऑयल इंडस्ट्री को बर्बादी के कागार पर पहुंचा दिया, जिसकी वजह से गठबंधन में महातिर को चलता करने की आवाजें उठने लगी थी। महातिर के समर्थक बुढ़ऊ पीएम का बिस्तर गोल होने के पीछे भारत का हाथ जरूर बता रहे हैं, मगर इसके लिए महातिर खुद ही जिम्मेदार है। भारत को मलेशिया में कोई खास इंटरेस्ट नहीं रहा है। महातिर ने जिस प्रकार कश्मीर पर विरोधी रुख दिखाया और अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के विपरीत जाकर तस्री पटक पटक कर मारी, यह सब उसका परिणाम है। अगर महातिर सठिया नहीं जाते तो आज इस मुल्ला मुल्क में आर्थिक और राजनीतिक संकट खड़ा नहीं होता। जनता में उसके खिलाफ विरोध के सुर तेज नहीं होते, मगर वह ठीठ पर उतर आए, जो केवल भारत को ही नहीं मलेशियाई जनता को भी खटक रहा था। मलेशियाई जनता और व्यापारियों की नजर में पाकिस्तान का कोई खास सम्मान नहीं है, वे खुद को भारत के ज्यादा करीब पाते हैं। इसलिए महातिर द्वारा व्यक्तिगत संबंधों को मलेशिया पर थोपकर जो बेड़ा गर्क किया जा रहा था, उसका खामियाजा उनको देर सवेर भुगतना ही था। मजे की बात यह है कि पाकिस्तान को समर्थन की कीमत महातिर को अपना इस्तीफा देकर चुकानी पड़ी, मगर पाकिस्तान मदरसा देश है, महातिर का अलगोजा बजवाकर अब खुद ही तमाशा देख रहा है। पैक्ट ऑफ होप के नेता अनवर इब्राहिम ने सरकार बनाने के लिए जरूरी समर्थन की बात कही है। अनवर की सोच महातिर के ठीक उलट है, शायद इसलिए दोनों सियासी शत्रु रहे हैं। वर्ष 2018 में जिस नजीब रजाक के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर महातिर और अनवर ने गठबंधन किया था, वह महातिर के ही सियासी साथी थे, मगर अब बाजी पलट चुकी है। यह महातिर के जीवन का अंतिम कार्यकाल ही साबित हुआ है, जिसमें उनकी विदाई अपमानजनक रूप से हो रही है। पर कहने वाले यही कहते हैं कि जब से मलेशिया पीएम ने भारत से पंगा लिया था, उसके कुछ महीनों बाद ही उनके सत्ता से जाने का अंदेशा होने लगा था। भारत के बार बार समझाने के बाद भी महातिर सुधर नहीं रहे थे। भारत ने उनको कई बार समझाया था। खास बात यह है कि विगत दिनों इमरान की मलेशिया यात्रा के दौरान उन्होंने फिर से भारत के मामलों में हस्तक्षेप करके अपनी औकात दिखाने की कोशिश की थी। भारत ऐसे मुल्ला महातिर को ज्यादा बर्दाश्त करने के पक्ष में नहीं था, इसलिए भारत खामोश रहा, क्योंकि मई 2020 में अनवर इब्राहिम के सत्ता में आने से भारत को संबंधों के पटरी पर आने की उम्मीद थी। लेकिन महातिर का 3 महीने पहले ही बिस्तरा उठ जाना चौंकाता जरूर है। संभवतः महातिर को भी इसका कुछ ना कुछ अंदेशा जरूर रहा होगा। उन्होंने अंतिम समय में अपनी सरकार बचाने और भारत से रिश्ते सामान्य करने के लिए पेरिस में FATF की बैठक में पाक की हिमायत नहीं करके कुछ प्रयास जरूर किए, पर अब तक बहुत देर हो चुकी थी। मलेशिया की राजनीति में वह चक्रव्यूह तैयार हो चुका था, जहां महातिर के सामने इस्तीफा देने के अलावा दूसरा विकल्प नहीं था। अब महातिर के समर्थक और पाकिस्तानी मदरसे इस उथल पुथल को भारत से जोड़कर देखते हैं तो इनसे बड़ा अहमक कोई नहीं होगा। जब अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में हठधर्मिता और ताकत का दिखावा किया जाता है, यहां पिछवाड़े ऐसे ही पिटा करते हैं।
अब महातीर रोज कश्मीर कश्मीर भौंके, उनके शब्दों का भारत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि महातीर की आवाज अब मलेशिया के नक्कारखाने से बाहर नहीं आ सकती है। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आएगा, आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।